जैसा कि आपको अच्छे से पता है, पत्नी के पास में कई सारे कानून है, जैसे आईपीसी 498 का कानून है, डीवी एक्ट का कानून है, 125 सीआरपीसी का कानून है। इनके तहत पत्नी न्याय ले सकती है, यानी कि पत्नी के साथ में अगर अत्याचार होता है, पति पति के घर वाले उसके रिश्तेदार अगर उसके साथ में गलत करते हैं, तो पत्नी इन एक्ट के तहत, इन कानून के तहत अपना न्याय ले सकती है, अपने अधिकार ले सकती है, और जो भी उसके साथ में गलत करते हैं उन सभी को पनिशमेंट दिलवा सकती है। पर आजकल देखने को क्या मिल रहा है, इन एक्ट्स का, इन कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, यानी कि पत्नी इन एक्ट्स, इन कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, यानी कि एक व्यापन की तरह इस्तेमाल कर रही है, बिना वजह का प्रेशर बनाने के लिए, यानी कि पति पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी को प्रताड़ित करने के लिए, पत्नी उनको झुकाने के लिए, अपना जो भी मकसद है उसको पूरा करने के लिए इन कानून का दुरुपयोग कर रही है। तो यहाँ पे मैं अब पति को बताने वाला हूँ कि अगर पत्नी ये केस करती है और आप अगर घबराए हुए हैं, आप अगर परेशान है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास में भी एक हथियार है। वो हथियार कौन सा है? आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी। तो इसको आपको कायम रखना है, किस तरीके से कायम रखना है, क्या आपको करना है, यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी केसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी पत्नी ने किए हैं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, आपके फायदे की जानकारी है, इसलिए आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाएगी, और आप अगर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिससे ये जानकारी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आज के समाज के अंदर, आज की दुनिया के अंदर आपने क्या नोटिस किया है, क्या देखा है? यह आपने देखा होगा, ये आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग डर जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं, तो जो लोग डरा रहे हैं, जो लोग झुका रहे हैं, वो और ज़्यादा अत्याचार करते हैं, और ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं कि ये तो हमारे से डर गए हैं, और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, अपनी बातों को मनवाने के लिए और भी कई सारे रास्ते वो अपनाएंगे, और वो डरे हुए व्यक्ति क्या करेंगे, हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि वो इतने प्रेशराइज हो जाएंगे कि कई बार तो गलत कदम तक उठा लेते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं। पर यहाँ पे अब अगर पति के साथ में भी ऐसा हो रहा है, पति के ससुराल वाले, पत्नी अगर पति को प्रताड़ित कर रही है, ऐसा प्रेशर बना रही है झूठे केसों का, जिससे पति झुके हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, या फिर कई पति उठा भी चुके हैं, तो उनको अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि उनको झुकना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, अंडर प्रेशर में नहीं रहना पड़ेगा। उल्टा ये सारे केस पत्नी के ऊपर, जिन लोगों ने भी आपके ऊपर केस किए हैं, उन सारे लोगों के ऊपर ही भारी पड़ेंगे। तो भारी किस तरीके से पड़ेंगे, आपको क्या करना है, अभी मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर क्या बताया कि पत्नी इन केसों का आजकल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, अपना मोटिव, अपना मकसद मनवाने के लिए पत्नी इन केसों को पति के ऊपर डाल रही है। तो यहाँ पे अब पत्नी ऐसा नहीं करेगी, पत्नी के ऊपर ही ये सारे केस भारी पड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी मुस्कुराहट दिखानी है, अपनी हंसी दिखानी है। तो ये कैसे दिखानी है, कब काम करेगी, क्या आपको करना है, यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, ये जानकारी आपको बहुत छोटी सी लग रही होगी, पर ये जानकारी पूरे केसों की बाजी पलट देती है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए, पत्नी जब भी आपके ऊपर केस करे, चाहे वो केस थाने से करे या फिर कोर्ट से करे, जब भी आप पत्नी के सामने जाएं उन केसों के अंदर, चाहे आप थाने के अंदर जाएं या फिर कोर्ट के अंदर जाएं, तो आपको मुस्कुराते रहना है, यानी कि अपनी स्माइल को कायम रखना है, आपको घबराना नहीं है, उदास नहीं होना है, डरना नहीं है, रोना नहीं है, झुकना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस से खड़े रहना है, हिम्मत से खड़े रहना है, आत्मविश्वास से खड़े रहना है। आपकी इसी एक्टिविटी को देख के सामने वाले घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उनके मन के अंदर डर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इसके पास में बचाव की जरूर रास्ते हैं, ऐसे रास्ते हैं जिससे हमारे ऊपर उल्टा डाल सकता है,
हमें फंसा सकता है, क्योंकि आपकी वहां पे हंसी होगी, आपकी वहां पे स्माइल होगी, तो लोग समझेंगे कि देखो इसके मन के अंदर तो बिल्कुल भी डर नहीं है। वो सोचेंगे हमने तो इसके मन के अंदर डर डालने के लिए, इसको प्रेशराइज करने के लिए इसके ऊपर सारे झूठे केस किए हैं, पर इसके अंदर हमें डर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो आपकी इसी एक्टिविटी से सामने वाले की झूठे केस करने की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाएगी, वो लोग बैकफुट के ऊपर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी चिंतित ना हो, अगर आपके ऊपर झूठे केस हुए हैं तो थाने से अगर उनकी मिलीभगत है, नीचे कोर्ट से उनकी मिलीभगत है, तो ये ना सोचे कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर भी अगर थाने का या फिर नीचे कोर्ट का ऑर्डर आपके खिलाफ आ जाता है, तो आप ऊपर अपील के अंदर भी जा सकते हैं। अपील करने का भी आपके पास में कानूनी अधिकार होता है। आपने देखा होगा नीचे कोर्ट का और कुछ डिसीजन आ जाता है, और जब उसकी अपील डाली जाती है तो वो डिसीजन बदल जाता है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस तो आपको उन केसों के अंदर दिखाना ही है जो पत्नी ने और पत्नी के घर वालों ने आपके ऊपर डाला है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि पत्नी और पत्नी के घर वालों के ऊपर एक काउंटर केस जरूर फाइल करना है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में पत्नी और पत्नी के घर वालों के ऊपर एक भी काउंटर केस फाइल कर देंगे, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि विपक्षी लोग खुद डर जाएंगे, वो बैकफुट के ऊपर आ जाएंगे, आपसे सेटलमेंट करने तक के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे आपके समय और धन दोनों की बचत होगी, कम समय के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस मैटर में या फिर किसी भी मैटर में अगर आपको कोई भी कानूनी सलाह चाहिए, किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।